आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में सीएम योगी एनडीएमए के सम्मेलन में हुए शामिल, दो दिवसीय रीजनल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की कस्बा वासियों से अपील, भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। गोंडा में निकाय चुनाव आते ही सियासी उठापटक तेज, भाजपा के पदाधिकारियों ने किया क्षेत्रों का भ्रमण। अमेठी में यातायात महाजागरूकता रैली, हरी झंडी दिखाकर रैली को एसपी ने किया रवाना। रायबरेली में रायबरेली फिल्म के अभिनेता ने की प्रेस वार्ता, अभिनेता गौरव कुमार के साथ पूरी टीम रही मौजूद। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीएमए के सम्मेलन में शामिल हुए, आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय रीजनल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में देश भर के 9 राज्यों के प्रबंध समितियों ने भाग लिया। ये सम्मेलन गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव में बोलते हुए सीएम ने कहा कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं और बचाव के उचित कार्य किए जाएं तो आपदा से होने वाले नुकसान के न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने सम्मेलन में कहा कि आपदा मित्रों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है और कहा कि बाढ़ के द्वारा बेहतर प्रबंधन देखने को मिल रहा है। जिला स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती हुई है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो यह मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई और दूसरा समय पर किए गए प्रयास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है, एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ ही उस कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया गया है। रायबरेली में जीआईसी मैदान में लगे उत्सव में रायबरेली फिल्म के अभिनेता गौरव कुमार ने फिल्म के प्रमोशन को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में गौरव कुमार के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद रही। वहीं अभिनेता गौरव कुमार ने मीडिया से बातचीत भी की और बताया कि हमारी फिल्म रायबरेली हर जगह रिलीज हो गई है लेकिन रायबरेली में रिलीज नहीं हो पा रही थी, जिसका कारण शहर में एक ही सिनेमा हॉल का होना है। आगामी 2 दिसंबर को मिलन NY सिनेमा में फिल्म रायबरेली लगेगी। उन्होंने कहा कि रायबरेली फिल्म में रायबरेली की सभी ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया गया है, जिसके कारण रायबरेली शहर का नाम देश विदेशों में और चर्चित होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से फिल्म देखने की अपील भी की। सर, हमारी ये फिल्म हो रही है 2 तारीख को और जनपद के नाम पर बनी हुई रायबरेली, जो कि रायबरेली, मैं खुद रायबरेली शहर का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी, मेरा सपना भी पूरा होने जा रहा है कि अपने शहर रायबरेली की फिल्म रायबरेली में रिलीज हो रही है। मुझे बहुत खुशी है और सबसे बड़ी बात इसमें रायबरेली के ऐतिहासिक चीज़ों को हम लोग ने दर्शाया है। जाहिर सी बात, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ने लोकेशन यहाँ पे किया, शहीद स्मारक किया, सुपर मार्केट किया, रेती डैम का तालाब और दलमऊ घाट मंदिर से शुरुआत की है फिल्म की, शंकर भगवान जी का पूरा मंदिर। तो दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि हम लोग को शो मिला है, 2 तारीख को रिलीज हो रही है। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के बरगदाहा गांव में खेत के विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका?
कहाँ के रहने वाले हो? शादीपुर बरगदा। ये घटना कहाँ घटी है? बाग में। किसने मारा? सुशील। और पटवारी थे और उनके बिटिया थी, भाइयों थे। किस चीज से मारा? बाहन। घटना हम ख्यात में पूरा बांधते रहे ने, ये घर ख्यात में हमारे कूड़ा फेंकते रहे, वही का मने की ना म्याड काटते रहे, वहाँ खाई रही बाग का खाई है वही का काटते रहे मने की, तो हम का महतारी बहन का गाड़ी रही, गाड़ी देने के बाद वहाँ से दौड़ के लेके आवा, फरुहा लहरा, कुल्हरी लहरा, लाठी रही, ये तीन चार जने रहे, तीन आदमी रहे, एक बिटिया रही, सुशील का बिटिया है, और हमारे सर पर सुशील पहले लाठी मारी। मामला यही है जी सर, जैसा मैंने सुना है कि इनको जो है मेड़ काट रहे थे और ये मना करने गए, इनको जो है लाठी डंडों से पीटा गया। कौन लोग थे मारने पीटने वाले? मारने पीटने वाले पड़ोस के साहू परिवार है। अच्छा, नाम क्या है? अशोक कुमार है, पटवारी है, और सुशील कुमार है। लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कई कस्बों में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और अन्य पार्टी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। कासगंज में जेपी पब्लिक एकेडमी स्कूल में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में यातायात जागरूकता माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उनका मनोरंजन भी कराया गया और प्रेरणादायक वक्तव्य भी सुनाए गए। वहीं यातायात कर्मचारियों के उत्साहवर्धन हेतु प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और उनको इसी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर अजीत चौहान, क्षेत्राधिकारी यातायात दीप कुमार पंत, यातायात प्रभारी पुलिस कर्मचारी गढ़, स्कूल स्टाफ और भारी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। गोंडा में निकाय चुनाव नजदीक आते ही सियासी उठापटक तेज हो गई है। भाजपा के पदाधिकारी जिला निकाय क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि करनैलगंज में क्षेत्रीय महामंत्री पहुंचे, जहां निकाय चुनाव क्षेत्र के संयोजक विजय प्रताप सिंह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद कटरा घाट के समीप भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह के नेतृत्व में स्वागत समारोह आयोजित किया गया था और फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद क्षेत्रीय महामंत्री ने दावा किया कि आने वाले निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा। दो हजार 2014 से जो विजय रथ शुरू हुआ है, आपने देखा होगा 14 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन किए, उसके बाद 2017 का चुनाव बेहतर प्रदर्शन, 19 का चुनाव बेहतर प्रदर्शन और 22 में पुनः उत्तर प्रदेश में सत्ता आई है। 35 वर्षों के बाद कोई दूसरा दल यहां पे रिपीट कर पाया है लगातार। इसी तरह जो ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है, अब जनता ने विश्वास कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अभी तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी, निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। अमेठी में यातायात माह जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर एसपी ने रवाना किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गौरीगंज कस्बे के मुख्य स्थानों से बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से यातायात के नियमों को लेकर यातायात पुलिसकर्मी लोगों को जागरूक करेंगे। लगातार यातायात माह में एसपी इलामारन ने के द्वारा जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक आदि करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यातायात माह मनाया जाता है, इसी क्रम में इस साल इसी महीने में 1 तारीख से आज तक कई प्रोग्राम अरेंज किया गया था। आज इसमें एक पुलिस क,
कर्मियों का एक बाइक रैली आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 100 गाड़ियों थे। ये गाड़ियों लेकर ये सिपाहियों गौरीगंज कस्बे में मुख्य स्थानों पर गाड़ी से रैली करके सबको जागरूकता रैली निकाली गई है। बता दें एसपी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। बता दें इस रैली से लोगों को यातायात के बारे में जागरूक किया जाएगा। अमेठी में यातायात को लेकर बेहतरीन पहल की जा रही है। इसको लेकर यातायात महा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें पुलिस कर्मी लोगों को यातायात रैली के द्वारा जागरूक कर रहे हैं। यातायात महा जागरूकता रैली की शुरुआत की गई। बता दें एसपी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। पुलिसकर्मी रैली के माध्यम से लोगों को यातायात को लेकर जागरूक करेंगे। बुलंदशहर में खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के धाराऊ गांव में संविदा सफाई कर्मी को कुछ दबंगों ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी के भाई की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार संविदा कर्मचारी को मान रहा था। उसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी ने रामपाल पर गोलियों की बौछार कर दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली में डलमऊ ब्लॉक के पूरे बदई में कटघर मार्ग में गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत सरकार की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना पर जिम्मेदार पानी फेर रहे हैं। सड़कों को कागजों पर गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत में सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर मोटी रकम ऐंठने का भी काम किया जा रहा है। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि सड़क की गुणवत्ता पूर्वक जाँच कर कार्रवाई करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रैब उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली जनपद है, शहरी क्षेत्रों को छोड़ के यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कहीं पर भी गड्ढा मुक्त अभियान दिखाई नहीं पड़ रहा है। रोड पर गड्ढे हैं, फिर गड्ढों पर रोड, ये तक समझ में नहीं आता। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि एक निचली स्तर की, एक ऊँची स्तर की जाँच कराई जाए, उस पर देखा जाए कि कितना गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ या फिर नहीं। तो क्या प्रतीत हो रहा है, कल लास्ट डेट है, क्या हो जाएगा? कहीं नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। रैब में यदि रायबरेली में उत्तर प्रदेश के नहीं, मैं रायबरेली की यदि बात करूंगा तो रायबरेली में ऐसे रायबरेली जनपद के सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी रोडें हैं जो बेदहाल हैं। यदि मैं बात करूं तो लालगंज से भोजपुर को जाने वाला मार्ग जो पूरी तरह से सरेनी के आगे से जो बेदहाल पड़ा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। उसी से नेता, विधायक, प्रतिनिधि और आम जनता भी निकलती है।
योगी सरकार ने 30 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देने का आदेश दिया है। कल जो है शासन को रिपोर्ट लगा दी जाएगी कि पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया, तो क्या ये दावा सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। केवल जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है, झूठा चला हुआ है। यह डेली 10-20 लोग एक्सीडेंट होते हैं, 2-4 लोग स्पेयर होते हैं, 2-4 लोग एक्सीडेंट होता है, जो आंकड़े सपाही हो जाते हैं। सरकार के दावे फेल होते हैं, तो क्या ये सरकार के दावे फेल है? बिल्कुल फेल है। तो 30 नवंबर कल है, तो क्या योगी सरकार के दावे पूरे सफल हुए? नहीं सफल हुए। अच्छा, रोड खराब, इसमें दिक्कत होती है? खराब, बहुत दिक्कत है उसमें। योगी सरकार को कल रिपोर्ट लगा दी जाएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है। योगी सरकार लगा रहे, लेकिन यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ के प्राय जो मेट है, वो सब ठेकेदार है, वो सब ताले हराम खो रहे थे, उसमें सब डाले डामर डाले, उसमें गिट्टी डाले, कोई उसमें कार्रवाई वो भी नहीं हुआ। देखो देख, जैसे जैसे गड्ढा खुले उसमें डामर डाले, सब पूरी जो डामर छूट निकल रहा है उसमें। ये बधाई के पूर्वा से, बधाई के पूर्वा से नरपतगंज जाने वाला ये जो मार्ग है, ये पूरी तरह से गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, इसमें काफी गड्ढे हैं, काफी गड्ढे। आजमगढ़ राजघाट में श्री राम जानकी विवाह उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों के साथ बार बालाएं अश्लील नृत्य करती दिखी, जिसके बाद आयोजकों पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की अश्लीलता अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।